गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस लेसन नंबर 1, माय फैमिली। माय फैमिली, फैमिली क्या होती है? फैमिली जो एक परिवार होता है जिनके साथ अपन रहते हैं। इस चैप्टर में रिचा और उसकी मदर के बीच के कन्वर्सेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। रिचा'स ग्रैंडमदर फेवरेट पास टाइम वॉज टू सी द फैमिली एल्बम एंड टेल स्टोरी अबाउट ऑल द पीपल इन द फोटोग्राफ। रिचा की दादी का पसंदीदा समय वो अपने पारिवारिक एल्बम देखने के लिए था और वो अपने परिवार के लोगों के बारे में कहानियाँ बताती थी। और रिचा लव टू लिसन टू दिस स्टोरी। और रिचा को बहुत पसंद था अपने परिवार के बारे में कहानियाँ सुनना। उनके परिवार में जो भी लोग थे उनके बारे में दादी उनको कहानियाँ सुनाती थी। रिचा को बहुत अच्छा लगता था कहानियाँ सुनना। शी वॉन्टेड टू सी हर पेरेंट्स चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स। रिचा को अपने मम्मी पापा के बचपन की तस्वीरें देखना चाहती थी रिचा। She went to her mother who was making lunch in the kitchen. वो उसकी मम्मी के पास जाती है जहाँ वो खाना बना रही होती है उसकी मम्मी किचन में। And asks her for her childhood picture. और वो उनको उनकी बचपन की तस्वीर के बारे में पूछती है कि मम्मी मेरे को आपके बचपन की तस्वीरें देखना है, आप कैसे दिखते थे। Richa's mother टर्न ऑफ द गैस। रिचा की मम्मी गैस को बंद करती हैं और शी वेंट टू द बेडरूम। और फिर वो बेडरूम में जाती है, पुल आउट अ सीडी फ्रॉम हर कपबोर्ड एंड प्ले द सीडी। और वो कपबोर्ड में से सीडी निकालती है और फिर वो सीडी प्ले करती है। रिचा हर मदर एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स वॉच द सीडी। इट स्टार्टेड विद द बेबी पिक्चर। रिचा की मम्मी, उसके दादा दादी सब वो सीढ़ी देखते हैं। इट स्टार्टेड विद द बेबी पिक्चर। और वो उसके बचपन की तस्वीर के साथ स्टार्ट करती हैं। रिचा, हु इज दिस? रिचा पूछती है, मम्मी ये कौन है? मदर, इट इज मी। उसकी मम्मी बोलती है, ये मैं हूँ। इट इज मी एज अ बेबी इन योर नानी लैब। रिचा की मम्मी बोलती है, ये मैं हूँ तुम्हारी नानी की गोदी में। एंड योर नाना इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। और वो बोलती है कि मेरे पास में जो खड़े है ना वो तुम्हारे नाना है। देन देर वॉज अ पिक्चर ऑफ हर मदर विथ हर सिस्टर एंड ब्रदर। और वहाँ उसकी मम्मी की एक तस्वीर होती है उसके भाई और बहन के साथ। रिचा'स मदर टोल्ड रिचा that the relatives from her side are called maternal relatives. रिचा की मम्मी बोलती है कि जो मम्मी की तरफ के रिश्तेदार होते हैं उनको maternal relatives कहा जाता है। And those from her dad side are called paternal relatives. और उसकी मम्मी बताती है कि जो पापा की तरफ के रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको पैटर्नल रिलेटिव्स कहा जाता है। रिचा वॉज टू सी हर मदर इन अ स्कूल यूनिफॉर्म। रिचा को बहुत रोमांचित लगता है उसकी मम्मी को स्कूल के यूनिफॉर्म में देखकर। उसको बहुत अच्छा मजा आता है कि मम्मी की स्कूल के यूनिफॉर्म पहना है मम्मी ने। Mom, Richa, Mom, you look so much like me, but now you have changed. Richa उसकी मम्मी को बोलती है, मम्मी आप तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, पर अब आप में बहुत चेंज आ गया है। Mother, everyone change as they grow. उसकी मम्मी बोलती है, जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं, अपन ग्रो करते जाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे अपन में चेंज आता जाता है। Their habits, lifestyle and even their thinking also change with time. अपनी आदतें, अपनी पसंद नापसंद और अपनी सोच भी समय के हिसाब से बदलती जाती है। रिचा, did you live in a joint family? रिचा मम्मी को पूछती है, मम्मी क्या आप
एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। आई कैन सी मैनी पीपल इन दिस पिक्चर, मैं इस पिक्चर में काफ़ी लोगों को देख रही हूँ। मदर, यस वी आर टू सिस्टर एंड टू ब्रदर, उसकी मम्मी बोलती हाँ हम दो बहनें और दो भाई थे। माई दादा, दादी, चाचा, चाची एंड बुआ ऑल लिव टूगेदर, मेरे दादा, दादी, चाचा, चाची और बुआ हम लोग सब मिलकर रहते थे। चाचाज थ्री चिल्ड्रन ऑल्सो स्टे विथ अस, चाचा के तीन बच्चे थे वो भी हमारे साथ ही रहते थे। वी यूज टू हैव ग्रेट फन एवरी इवनिंग, हमको रोज शाम को बहुत मज़ा आता था, हम बहुत मस्ती करते थे। वी प्ले मैनी गेम्स ऑन संडे, हम संडे को भी बहुत सारे गेम्स खेलते थे। वी हैव अ फेस्टिव एटमोसफियर विथ एवरी वन एट होम, हमारे घर में एक उत्सव का माहौल जैसा रहता था। रिचा, ओ व्हाट ग्रेट फन यू यूज टू हैव, रिचा बोलती ओ मम्मी आपको तो कितना मज़ा आता होगा। आई एम ऑल अलोन, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है खेलने के लिए। आई डोंट हैव एनी वन टू प्ले विथ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है खेलने के लिए मम्मी। ग्रैंड मदर, ओ डोंट वरी रिचा, मम्मा एंड पापा विल सून ब्रिंग अ बेबी फॉर यू, उसकी दादी रिचा को बोलती है कि आप परेशान मत हो, मम्मी और पापा आपके लिए जल्दी से एक बेबी लाने वाले हैं। रिचा स्माइल, रिचा हंसती है, हर पेरेंट्स हैड टोल्ड हर दैट दिस दिवाली शी विल गेट अ स्पेशल गिफ्ट, उसके पेरेंट्स बोलते हैं उसको कि इस दिवाली पे आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है, अ बेबी ब्रदर और सिस्टर, का तो एक बहन या भाई। रिचा वॉज बिजी काउंटिंग डेज लेफ्ट फॉर दिवाली ऑन हर लिटल फिंगर, रिचा वो बिजी हो जाती है, वो डेज काउंट करती है अपनी लिटल फिंगर्स के ऊपर कि दिवाली को कितने दिन बाकी हैं। शी वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द स्वीट दियास क्रैकर एंड द बेबी, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है कि कब दिवाली आएगी, कब उसको मिठाई खाने को मिलेगी, दिए लगाने को मिलेंगे और फटाके उड़ाने को मिलेंगे और उसको एक बेबी मिलेगा। तो बच्चों आज हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, रिचा की फैमिली कैसी है इस बारे में जाना, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।